नमस्ते बेटा, वेलकम बैक इन ई लर्निंग क्लास बाय सविता सांगवान। टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 4, दैट इज फ्रैक्शनल नंबर्स। सो लेट स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? आपने फ्रैक्शन के बारे में थर्ड फोर्थ क्लास में भी स्टडी किया है। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ होल। सो लेट्स नो अबाउट द कंटेंट ऑफ सिलेबस ऑफ दिस यूनिट। इन फिफ्थ क्लास you will study about fractions in lowest term, comparing fractions, ascending order, descending order, addition and subtraction of fractions, multiplication of fractional number, multiplication of a fractional number and a whole number, multiplication of a fractional number by the fractional numbers, properties of a multiplication of fractional numbers, reciprocal fraction, division of fractional numbers, properties of division of fractional numbers, word problems. So let's remember the types of fraction. आपने जो फोर्थ क्लास में स्टडी किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो देखिए बेटा, फ्रैक्शन हमारी लाइफ में, फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? फ्रैक्शन का मीनिंग अभी जैसे डिस्कस किया, पार्ट ऑफ होल। तो हम सारे काफ़ी जगह लाइफ में फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं किचन में और लंच में, डिनर में। आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना खाना शेयर करते हैं ना। ये देखिए, आपने जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आपने वो उसके कितने पीसेस कर दिए? 8 पीसेस कर दिए। तो ये फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/8। जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए इसके कितने पार्ट हो गए? 1/8। और इधर देखिए, आपने मील्स को, जैसे हमने बैलेंस डाइट स्टडी किया फोर्थ क्लास में, जीएससी में आपने स्टडी किया है। बैलेंस डाइट में क्या होता है? प्रोपोर्शन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो वो क्या है? फ्रैक्शन है बेटा। और इसी तरह वाटर का भी हम कहते हैं, इतना पोर्टेबल वाटर है, इतना रिवर में है, इतना सी में है, ये सब क्या है? ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। आप मेडिसिन जो लेते हो, मेडिसिन कहते हैं हाफ़ टेबलेट लेना, हाफ़ क्या है? फ्रैक्शन है। मार्क्स, आपके टेस्ट में मार्क्स आए 7.5, तो 7.5 क्या है? फ्रैक्शन है। तो इस तरह से फ्रैक्शन जो है हमारी लाइफ का पार्ट है। सेम वे से आपकी शॉपिंग में कहते हैं इसका 20%, इसका 1/5 आपको ऐसे पे करना है, या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो क्या है? फ्रैक्शन है। कि एक और कहते हैं, हमने 1/5 पार्ट शॉपिंग के लिए स्पेंड कर दिया। पेइंग बिल्स 20% ऑफ है, 1/4 ऑफ है, तो ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। तो आपको फ्रैक्शन पे बेस्ड एक एक्टिविटी दी जा रही है, ध्यान से देखिएगा। आपने कोई भी ऐसे शेप बनानी है, बर्ड हो सकता है, कोई हट हो सकती है, तो आपने इस तरह से जो पीसेस यूज़ करने हैं, आप देख सकते हैं, आपने इसके इस तरह से आपने फ्रैक्शंस में कुछ पीसेस को कट कर लिया। आप देख सकते हैं ये जो डिस्पोजल है इसका, अलग अलग उसमें पीसेस में कट किया हुआ है, तो उसको फ्रैक्शन दिया हुआ है कि 1/4 है या ये 1/3 है। उन पीसेस को यूज़ करेंगे, उस पर लिखा हुआ है वो 1/3 है, 1/4 है, इस तरह से आप उसको यूज़ करके अपना कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो आप ये एक्टिविटी करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स check what you have learned in previous class about fraction. Do you remember the fractional numbers? Fractional number, I have told that part of whole. Now do you remember types of fraction? सभी कोशिश करेंगे, कितने नाम आपको ध्यान आते हैं फ्रैक्शन के, कौन कौन से टाइप्स आपने स्टडी की है प्रीवियस क्लास में। So let's revise. First is equivalent fraction. क्या होता है बेटा? The fraction which express the value of same part of whole. Like आपको previous class में हमने किया भी था, कैसे? जैसे कि ये half है, अब ये पहले half half लिया, अब two friends और आ गए,
तो हाफ का भी हाफ हाफ कर लिया, तो है तो आपके पास इतना ही। अब ये कितना हो गया, 2/4, तो ये 1/2 ही 2/4 है। इट मीन्स ये सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। सो आगे चलेंगे, आगे है तो मीन्स जैसे चॉकलेट तो हाफ ही थी, उसके पीसेस और कर दिए, लेकिन है तो उसके पास उतनी चॉकलेट, यानी हाफ ही को हमने 2/4 में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। सो आगे चलेंगे बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या होता है बेटा, जैसे टेस्ट तो था 10 मार्क्स का और किसी के मार्क्स आ जाएं 15, देन इट विल बी इम्प्रॉपर। कैसे, 15 में से 10 आते तो ठीक था, अगर वो 10 में से 15 आ गया दैट इज़ रॉन्ग। तो इस तरह के फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, हुज न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होते बेटा, प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया है। न्यूमरेटर के लिए मैं कोड बना रही हूँ। न्यूमरेटर जैसे आपके मार्क्स आते बेटा, आपके सपोज योर यू हैव गॉट 9 मार्क्स आउट ऑफ 10, तो आपके 9 मार्क्स आए, मार्क्स को आप नंबर भी कह देते हो, तो नंबर से मिलता जुलता हो गया न्यूमरेटर। और 10 जो है वो डी से डाउन है, डी से डिवाइड में है, डाउन है डिवाइड में है, और इसी से बन गया डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर आई थिंक दीज टू टर्म्स आर क्लियर नाउ। ओके आगे चलेंगे। अब अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है डेनोमिनेटर से, डेनोमिनेटर से तो क्या होगा, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर ठीक है, ये प्रॉपर हो गया, आपको ये असाइनमेंट करने के लिए भी बोला था। फ्रैक्शन हैविंग सेम डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक सभी का देखिए, डिनोमिनेटर सेम है, 2/7, 1/7, 9/7, सभी के डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है, लाइक। जिसमें सेम नहीं है दैट इज अनलाइक। अब आगे चलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर्स आर इक्वल टू 1, आप देख सकते हैं इन सभी में 1 है न्यूमरेटर, तो ये क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। मिक्स्ड कम्बिनेशन होता है बेटा होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। लेट्स टेक एग्जांपल, कैसे, जैसे आपके मार्क्स आके 7.5, तो 7 तो होल नंबर है और 1/2 क्या है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, और दोनों के कम्बिनेशन से क्या बन गया, 7.5, दैट इज मिक्स्ड नंबर। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। सो ओके बेटा, तो हमने सारा फ्रैक्शन रिवाइज कर लिया है जो आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हो। तो आज आप प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड फर्स्ट पेज को करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन विच एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ सेम पार्ट ऑफ होल। इम्प्रॉपर हुज न्यूमरेटर आर ग्रेटर, लाइक फ्रैक्शन हैविंग सेम डेनोमिनेटर, यूनिट फ्रैक्शन हैविंग 1 न्यूमरेटर जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो, प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर हो डेनोमिनेटर से, जिसका ग्रेटर हो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर, अनलाइक जिसका डेनोमिनेटर सेम ना हो, लाइक में लाइक मीन्स सेम, जिसका सेम हो, अनलाइक सेम ना हो, और मिक्स्ड में जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर दोनों हो। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो आज आप इसको फर्स्ट पेज को प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है जो कि उसको कंप्लीट